परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाले भोग क्या हैं। नवरात्रा के नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला कहा गया है। नवरात्रि के नवम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नौवीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। माता के नौ दिन वर्ष के सर्वाधिक शुद्ध और पवित्र माने गए हैं। वर्ष में क्योंकि नवरात्रि दो बार आते हैं, इसलिए कुल 18 दिनों का भारतीय धर्म और दर्शन में विशेष धार्मिक महत्व है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।